वेलकम है आपका दी एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनपीके घुलनशील खाद के बारे में, यानी वाटर सेल्युअल फर्टिलाइजर्स का हमारी फसलों में क्या महत्व है, कब स्प्रे करना चाहिए, क्यों स्प्रे करना चाहिए और कितना स्प्रे करना चाहिए और स्प्रे करने से क्या फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है, यानी 1919 घुलनशील खाद 0534, इसके अलावा 0050, इसके अलावा भी और भी मार्केट में घुलनशील वाली फॉर्मुलेशन वाली आपको आसानी से मार्केट में वाटर सेल्युअल फर्टिलाइजर्स मिल जाती हैं। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि घुलनशील खाद एनपीके क्या होता है, कब और क्यों स्प्रे करना चाहिए और यानी ए टू जेड आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनपीके घुलनशील खाद। एनपीके घुलनशील खाद दो प्रकार की होती है, एक तो मिट्टी या जड़ों के पास दी जाती है और दूसरी पत्तों पर यानी फसलों पर स्प्रे किया जाता है। जो पत्तों पर और फसलों पर स्प्रे किया जाता है वही होती है एनपीके घुलनशील खाद। बहुत ही कम परसेंटेज में एनपीके का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम घुलनशील खाद एनपीके वाटर सेल्युअल फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 1919 0534 और 0050 को हमको अपनी फसलों में कब और क्यों स्प्रे करना चाहिए और कितना स्प्रे करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनपीके क्या है। एनपीके एक घुलनशील खाद है जिसे हम अलग अलग फॉर्मुलेशन में अलग अलग परसेंटेज में हमको मार्केट में आसानी से घुलनशील खाद मिल जाती हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से एनपीके का महत्व। तो आइए बात करते हैं एनपीके का हमारी फसलों में या फिर एक प्लांटेशन में क्या महत्व होता है। तो एक प्लांट्स का विकास करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर 17 तत्वों को पौध के लिए जरूरी बताया गया है, जिनके बिना पौध की वृद्धि विकास तथा प्रजनन आदि क्रियाएं संभव नहीं है। जिनमें से मुख्य तत्व कुछ यूं हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके अलावा भी और पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे एक प्लांट्स का विकास होने के लिए आवश्यक होती हैं। उनमें से जो प्लांटेशन एग्जॉप जो हमारे एनवायरनमेंट से कर लेता है, लेकिन जो नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है और पोटास होती है, इनकी कमी को दूर करने के लिए हमको घुलनशील खाद को स्प्रे कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जो एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का हमारी फसलों में क्या महत्व है। लेकिन जो एनपीके होता है इसका फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटेशियम। जो नाइट्रोजन का वर्क होता है हमारी फसलों में नाइट्रोजन एन पत्तों को हरा करना और फसलों की वनस्पतिक विकास को समय समय पर मदद करने का काम होता है नाइट्रोजन का। इसके अलावा पी यानी फास्फोरस, फास्फोरस का मुख्य वर्क होता है जड़ों को मजबूत करना, नई जड़ों का विकास करना और तने को मजबूती प्रदान करने का काम होता है फास्फोरस का। इसके अलावा पोटेशियम, पोटास के, पोटेशियम का मुख्य वर्क होता है दानों को भरने का काम, फलियां वालियों का विकास करना। जो फलियां वालियां और दाने वाली फसलें होती हैं उस स्टेज पर आप पोटेशियम को स्प्रे कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ाने का काम करता है, पौधे की सेहत को सुरक्षात्मक और मेंटेन करके रखता है पोटास। तो आप समझ ही गए होंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का क्या वर्क होता है। अब हम देखते हैं मार्केट में अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग घुलनशील खाद मार्केट में उपलब्ध होती हैं, जैसे 1919 0534 0050 1232 16 23 23 23 घुलनशील खाद। इसके अलावा भी और भी मार्केट में अलग अलग परसेंटेज में आपको घुलनशील खाद मिल जाएंगी। अब इनको अलग अलग स्टेज में अलग अलग परसेंटेज के साथ स्प्रे किया जाता है। जैसे बात कर लेते हैं 1919 एनपीके, तो इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम का एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब 19% का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा बात कर लें 0534, तो इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस, 34% आपको पोटेशियम मिल जाता है। इसके अलावा 1232 जो 16 आता है इसमें एनपीके नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन रहता है इसमें 12%, फास्फोरस रहता है इसमें 32% और इसमें पोटेशियम रहता है 16%। अगर बात कर ले 0050, तो इसमें नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 0% और पोटेशियम की इसमें मात्रा होती है 50%। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कौन सी स्टेज पर कौन सी खाद को स्प्रे आप
कर सकते हैं। तो आप मुख्य रूप से सोयाबीन, गेहूं, चना, अरहर, धान, मूंगफली, मटर, मक्का के अलावा आप ज्वार, खीरा, लौकी, कद्दू, टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन, इसके अलावा आप गोभी, सेमी, लहसुन, प्याज, कपास, गन्ना, उड़द, आलू, केला और तरबूज जैसी फसलों में आप एनपीके घुलनशील खाद को स्प्रे कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कौन कौन सी क्रॉप में आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन किस स्टेज पर आपको स्प्रे करना चाहिए। जब आपकी फसल 20 दिन से लेकर 45 दिन की हो, उस कंडीशन में आप यानी वनस्पतिक अवस्था में, यानी जब आपकी क्रॉप 20 से 25 दिन की हो, तब आपको 19-19-19 घुलनशील खाद को स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा जब आपकी फसल 50 से 65 दिन के आसपास की हो, तब आपको 0-52-34 का स्प्रे करना चाहिए। और जब आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में हो या फिर बालियां निकलती हों, फल निकलते हों, तो उस समय आपको 0-0-50 को स्प्रे करना चाहिए। यानी वनस्पतिक अवस्था में आपको 19-19, फ्लावरिंग या फिर जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो तब आपको 0-52-34, या फिर जब आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में हो, बालियां निकल रही हो, या फिर यदि सरल शब्दों में कहा जाए जब आपकी फसलों में दाने भरने का काम चल रहा हो, तब आपको 0-0-50 को स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं 19-19-19 या फिर 0-52-34 या 0-0-50 को हमको किस स्टेज पर कितना स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में जितने प्रकार की भी घुलनशील खाद आती हैं, आपको मोटी रबी खरीफ की फसलों में 1 एकड़ में 1 किलोग्राम स्प्रे करना चाहिए 200 लीटर पानी में। इसके अलावा आप हरी सब्जियों में स्प्रे कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ में एनपीके घुलनशील खाद को 500 ग्राम स्प्रे करना चाहिए 200 लीटर पानी में प्रति एकड़। आइए बात करते हैं 19-19-19 घुलनशील खाद को हमको किस स्टेज पर और कितना स्प्रे करना चाहिए। 19-19-19 घुलनशील खाद को आप वनस्पतिक विकास में नए फुटाव और शुरुआती अवस्था में स्प्रे आप कर सकते हैं। 19-19-19 घुलनशील खाद को आपको हरी सब्जियों में 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए और अन्य रबी खरीफ की फसलों में आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा 0-52-34 घुलनशील खाद आती है, इसको हमको किस स्टेज पर और कितना स्प्रे करना चाहिए। तो जब हमारी फसलें पुष्पन अवस्था में हों तो उस समय हमको फॉस्फोरस और पोटेशियम की सख्त आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आप अधिक मजबूती के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए आप 0-52-34 को स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं 0-52-34 का, याद रखना पुष्पन स्टेज में। इसके अलावा यदि बात कर लेते हैं तीसरा नंबर जो 0-0-50 आता है, तो इसमें होता है पोटेशियम 50%। जब हमारी फसलें फ्रूटिंग यानी फलों को या फिर दाने भरने का काम चल रहा हो या फिर बालियां निकल रही हों, तो उस स्टेज में उस समय हमको 0-0-50 को स्प्रे करना चाहिए। इसमें पोटेशियम की भी मात्रा होती है 50% और इसको आपको 1 एकड़ में 1 किलोग्राम स्प्रे करना चाहिए 0-0-50 200 लीटर पानी में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि 19-19 घुलनशील खाद क्या होती है, कब स्प्रे करना चाहिए 0-52-34 और 0-0-50 को हमको कब स्प्रे करना चाहिए, कितना स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कुछ सावधानी के बारे में। जब भी आप वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स का अपनी फसलों में स्प्रे करें तो खेत में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रति एकड़ पानी की जो क्वांटिटी है लगभग आपको 150 से 200 लीटर आपको प्रति एकड़ की मात्रा से पानी की क्वांटिटी लेना ही लेना है। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। जो एनपीके घुलनशील खाद आती हैं इनका प्राइस 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के आसपास आपको 1 kg का मार्केट में प्राइस पड़ता है। लगभग जो एवरेज देखा जाए तो 150 रुपये यानी 150 रुपये में आपको 1 kg का पैक आ जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होती है, इसको जो फॉर्मूलेशन होता है, परसेंटेज होता है, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, कब स्प्रे करना चाहिए एनपीके का। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनपीके घुलनशील खाद होती है यह एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करती है, प्रमोटर का काम करती है, सॉइल प्रमोटर का काम करती है। इसके अलावा यह एक टॉनिक का भी काम करती है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। आप हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अन्य किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।